जय माता दी। दोस्तों, माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको नवरात्रि में जो पूजा विधि है, जो अष्टमी और नवमी की पूजा है, उसकी एकदम सरल पूजा विधि जो है वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूं। किस प्रकार से आपको अष्टमी और नवमी की पूजा जो है वो बिल्कुल सरल तरीके से करनी चाहिए, चलिए मैं आप सबको दिखा देती हूँ ताकि आप सबको समझ में आ जाए और आप भी अष्टमी नवमी की जो पूजा है वो बिल्कुल सरल विधि से कर पाए। सर्वप्रथम हमें क्या करना है, जो सामान है वो मैंने इकट्ठा कर लिया है और उसका वीडियो जो है वो मेरे चैनल पे आ गया है, आप लोग उस वीडियो को एक बार चेकआउट जो है वो कर सकते हैं। इस प्रकार से कुछ माता जी जो हैं वो मेरे घर में विराजमान हुई हैं। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम जो दिया है वो प्रज्वलित करेंगे, उसके बाद अपनी पूजा जो है वो शुरू करेंगे। देखिए, इस प्रकार से जो दिया है वो मैंने जला दिया है। अगर आपके घर में अखंड ज्योति जल रही है तो आपको दिया जलाने की ज़रूरत नहीं है, आप विधिवत तरीके से पूजा करें लेकिन बाद में आरती जो है वो कर दें। पहले दिया जलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक दिया जो है वो आपके घर में पहले से ही जल रहा है। मैंने यहाँ पर जो दिया है वो प्रज्वलित कर दिया है। अब हमें क्या करना है, भाव से माता जी को स्नान करवाना है क्योंकि जो फोटो होती हैं वो गीली होकर ख़राब हो सकती हैं, इसलिए भाव से स्नान करवाएं। तो मैंने एक छोटा सा फूल लिया है, उसमें थोड़ा सा जो जल है वो लिया है और इस प्रकार से भाव से स्नान जो है वो हम माता जी को यहाँ पे करवाने वाले हैं। तो इस प्रकार से भाव से स्नान जो है वो आप ज़रूर करवाएं। अच्छा, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि आपने जो भगवान गणेश हैं उनकी जो फोटो है वो नहीं रखी है, उनकी पूजा जो है वो नहीं करी है। तो यहाँ पे ऊपर देखिए, इस प्रकार से जो मेरे गणपति जो हैं वो ऊपर बैठे हुए हैं, ठाकुर जी जो हैं वो भी वहीं बैठे हों, उनकी मैंने विधिवत पूजा जो है वो वहीं पर करी हुई है। यहाँ पर सिर्फ मैंने माता जी की जो फोटो है वो रखी हुई है। तो सर्वप्रथम हम स्नान जो है वो करवाने वाले हैं। आप इसी प्रकार से घर में जिस प्रकार से मैं बता रही हूँ उसी प्रकार से मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं, और अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो घर में भी इसी प्रकार से पूजा करें, या आप मंदिर और घर दोनों में भी इसी प्रकार से पूजा कर सकते हैं। तो भाव से पुष्प से इस प्रकार से स्नान जो है वो करवा देना है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें माता जी को जो तिलक है वो करना है। तो यहाँ पर मैं रोली का जो तिलक है वो मैं माता जी को यहाँ पर लगाने वाली हूँ कुछ इस प्रकार से। ये देखिए, ये मैंने रोली का जो तिलक है वो लगा दिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमारे यहाँ ये जो वीरा बतासा है ये चढ़ाने का जो विधान है वो बताया गया है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक इस प्रकार से आप इसको तांबूल पत्र जो है वो भी बोल सकते हैं, या बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुख शुद्धिकरण के लिए चढ़ाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ सबसे पहले जो है वो चढ़ाया जाता है। इसमें एक बतासा है, दो लौंग, दो इलायची और एक फूल जो है वो दिया गया है, और इसी को सबसे पहले जो है वो हमारे यहाँ चढ़ाया जाता है। इसके बाद जो फल हैं वो आप चढ़ा सकते हैं, जो भी आपके पास केला, सेब, संतरा, जो भी है वो आप चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं केला जो है वो इस प्रकार से चढ़ा दे रही हूँ। इस तरीके से मैंने जो केला है वो चढ़ा दिए हैं। आप चाहें तो कोई दूसरे फल जैसे जो संतरा है या जो अमरूद है वो भी चढ़ा सकते हैं इस प्रकार से। तो मैंने जो है वो चढ़ा दिया है। पुष्प जो है वो भी आप चढ़ा सकते हैं इस प्रकार से। माता जी को जो पुष्प है वो भी मैंने चढ़ा दिया है, फल जो है वो भी चढ़ा दिए हैं और जो पुष्प है वो भी चढ़ा दिए हैं। अब क्या करना है, अब जो भोग प्रसाद है, सबसे पहले जो भाव का प्रसाद है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। भाव से माता जी को जो भोग है वो आपको ज़रूर लगाना चाहिए और माता जी आपकी पूजा को स्वीकार करें, ये माता जी से जो है वो ज़रूर विनम्र निवेदन करना चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपने जो भी बनाया है, खीर पूड़ी, हलवा पूड़ी या चना पूड़ी, जो भी बनाया है, या बहुत सारे लोगों के घर की परंपरा के अनुसार पूड़ी और बतासे जो हैं नारियल वो चढ़ाया जाता है, तो जो भी आपके घर में होता है उस प्रकार से आप कर सकती हैं। हमारे यहाँ जो हलवा है, पूड़ी है, खीर है, सब बनता है, चने, काले चने, इस प्रकार से जो है वो बनाया जाता है। तो देखिए, इस प्रकार से भाव स्वरूप हम माता जी को इसी प्रकार से सारी चीज़ें जो हैं वो भाव स्वरूप समर्पित कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो थाली है वो तो लगी ही रखी रहती है, 9 पूड़ियाँ जो हैं वो बनाई जाती हैं। तो इन पूड़ियों को किस प्रकार से रखा जाता है, देखिए जो खूंट है वो निकाले जाते हैं, तो 2 पूड़ियाँ इस प्रकार से लेनी चाहिए, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा हलवा जो है वो रख के और जो काले चने हैं वो रख के माता जी को जो भोग है वो लगाया जाता है। इस प्रकार से 2 पूड़ियों के ऊपर रख के और यहाँ पर इस तरीके से माता जी को जो है वो समर्पित किया जाता है। हमारे घर में 2 जगह, 3 जगह जिस प्रकार से माता जी की पूजा जो है वो की जाती है, जैसे 2 जगह माता जी को निकाला जाता है, फिर एक जो खूंट है वो निकाला जाता है, मान लीजिए बहुत सारे लोगों के घर की परंपरा के अनुसार उनकी कुल देवी, कुल देवता के नाम से निकाली जाती हैं, तो 2 खूंट जो हैं वो जरूर निकालने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने माता जी को जो है वो समर्पित कर दिया है। आप चाहें तो किसी भी प्लेट में रख के भी समर्पित कर सकते हैं, या जिस प्रकार से मैं रख रही हूँ उस प्रकार से भी समर्पित कर सकते हैं। तो देखिए, एक इस तरफ और एक इस तरफ, 2 जो है वो मैंने खूंट यहाँ पे जो है वो
समर्पित कर दी है माता जी को। साथ ही साथ जो खीर की भोग है, जो खीर है वो ऐसे डालूंगी तो वो फिर सही नहीं रहेगा, सब फैल जाएगा, इसलिए मैं भोग प्रसाद जो है वो खीर का वो माता जी को समर्पित कर रही हूँ और माता जी भोग प्रसाद स्वीकार करें, ऐसी विनती जो है, ऐसा विनम्र निवेदन है वो मैं माता जी से जरूर करूँगी। तो इस प्रकार से खीर का भोग जो है वो माता स्वीकार करें, ऐसी माता से जो विनती है वो ज़रूर कीजिए। इस प्रकार से जो भोग है वो लगाया जाता है। फिर जो आपने सिंगार लिया है, जैसे मैंने बता दिया कि अगर परेवा अष्टमी को जो है वो सिंगार आपने चढ़ा दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है अष्टमी नवमी को चढ़ाने की, लेकिन अगर आपने नहीं चढ़ाया तो अष्टमी या नवमी वाले दिन माता जी को जो सिंगार है वो जरूर समर्पित किया जाता है। आपके घर की परंपरा के अनुसार जैसे हमारे यहाँ अष्टमी या नवमी को जो प्रसाद जो सिंगार है वो चढ़ाया जाता है, तो हम लोग अष्टमी या नवमी को जो सिंगार है वो जरूर चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो सिंगार है वो समर्पित कर दिया है माता जी को, और यहाँ पर मैं यहाँ पर जो नारियल है वो समर्पित कर रही हूँ माता जी को, क्योंकि इस बार मैंने जो अखंड ज्योति है और साथ ही साथ जो नारियल है, जो कलश है, उसकी स्थापना नहीं करी है, तो मैंने नारियल जो है वो अभी चढ़ा दे रही हूँ और इसी नारियल को फोड़ के प्रसाद के रूप में हम सब लोग खाने वाले हैं। तो इस प्रकार से जो नारियल का भोग है वो भी मैंने लगा दिया है। अब हमें क्या करना है, ये जो आग जल रही है इस आग में हमें जो प्रसाद है वो डालना होता है। किस प्रकार से, सर्वप्रथम देखिए हमारे घर के परंपरा के अनुसार जो है वो घी और गुड़, इस प्रकार से घी और गुड़ का जो पहले हवन है वो किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर जो घी और गुड़ है उसका दो बार जो है वो डाल दिया है कुछ इस प्रकार से, ये देखिए। अब हमें क्या करना है, अब बहुत सारे लोग इसमें घी अलग डालते हैं, गुड़ अलग डालते हैं, या प्रसाद जो है वो अलग डालते हैं, वो आपके घर की परंपरा के अनुसार जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे घी गुड़ जो है वो मैंने डाल दिया है। अब जो पूड़ियाँ हैं, जो मान लीजिए माता जी को पूड़ियाँ चढ़ी हैं, उन पूड़ियों से भी, और जो पूड़ियाँ अलग रखी हैं छोटा छोटा जो है, जैसे इस प्रकार से सारी पूड़ियों से थोड़ा थोड़ा निकाल के उसके ऊपर खीर और हलवा जो है वो रख कर और जो हवन है उसमें छोड़ा जाता है। तो और इस प्रकार से तोड़ के, मान लीजिए कि ये भी पूड़ी जो है इससे भी मैंने थोड़ा सा जो है वो तोड़ लिया, और इस तब जो रखी उससे भी थोड़ा सा तोड़ लिया है। अब हमें क्या करना है, जो यहाँ पे हलवा है वो लिया है और जो खीर है वो लेके इस प्रकार से पांच बार, मतलब सब चीज़ों को मिला के पाँच बार जो आहुतियाँ हैं वो दी जाती हैं। जैसे मैंने गुड़ और घी की आहुति जो है वो दे दी, अभी यहाँ पर जो खीर पूड़ी है उसकी आहुति दे दी, इसके बाद जो हलवा है वो, मतलब पाँच बार तो कम से कम आपको जो आहुति है वो ज़रूर देना चाहिए। अगर मान लीजिए नहीं हो पा रहा तो एक बार घी की आहुति जो है वो भी आप दे सकते हैं। इस प्रकार से जो आहुति है वो आपको ज़रूर देना चाहिए। और जो हवन है इसमें आप यहाँ पे कपूर जो है वो रख के भी जला सकते हैं, इसके ऊपर रख के जला सकते हैं। कपूर का हवन जो है वो आज के दिन ना करें, मतलब पूरा कपूर में, बहुत सारे लोग ना सारी चीज़ें डाल के कपूर में जला देते, तो आज आप ऐसा ना करें, आज आप उपले में ही पूजा जो है वो करें, क्योंकि एक तरीके से माँ की पूजा करेंगी फिर जो हवन है एक तरीके से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, फिर इसकी जो भी चीज़ें आप डालते हैं ना तो घर को सुगंधित कर देती हैं, और एक तरीके से घर का हर एक कोने में जब धुआं पहुंचता है तो माता जी का जो आशीर्वाद है वो पहुंचता है और घर में नकारात्मक शक्तियाँ जो है वो समाप्त हो जाती हैं। इसलिए आपको उपले के ऊपर रख के आज के दिन पूजा जो है वो ज़रूर करनी चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने जो प्रसाद है वो डाल दिया है, माता जी को जो है वो समर्पित कर दिया है। यहाँ पे कुछ दक्षिणा जो है वो आज के दिन ज़रूर चढ़ाएं, क्योंकि कोई चीज़ अगर रह जाती है, कोई सामग्री रह जाती है, उसको पूर्ण माना जाता है अगर आप दक्षिणा जो है वो चढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें जो है वो मैंने यहाँ पर चढ़ा दी हैं। अब हमें क्या करना है, आप चाहें तो कपूर की आरती, आप चाहें तो धूप बत्ती की जो आरती है वो कर सकते हैं, या आप चाहें जैसे हमारे घर की परंपरा के अनुसार आज के दिन जो आरती करते हैं वो तो करते हैं, लेकिन आटे का जो दिया है वो विशेष रूप से आज के दिन चढ़ाया जाता है, तो हमारे यहाँ नवमी पूजन में तो मैं आटे का जो दिया है वो चढ़ाने वाली हूँ। देखिए मैंने धूप बत्ती जो है वो भी जला दी है, साथ ही साथ यहाँ पर जो आटे का दिया है इसी आटे के दिए से आज हमारे यहाँ आज के दिन जो आरती है वो की जाती है। बहुत सारे लोग माता की आरती जो है वो पूरी गाते हैं, जैसे मंदिर में भीड़ वगैरह होती है तो इसी प्रकार से माता जी की आरती जो है वो कर देते हैं, गाने का टाइम जो है वो नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो घी का दिया है या आटे का जो दिया है वो आज के दिन जरूर चढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार से सारी पूजा जो है वो की जाती है। लास्ट में इस प्रकार से जल लेके और आचमन जो है वो ज़रूर किया जाता है, आचमन के बिना पूजा जो है वो अधूरी मानी गई है। तो आचमन किस प्रकार से करना चाहिए, देखिए आचमन क्या है, पाँच बार पानी हाथ में लेके और इस प्रकार से पाँच बार चारों तरफ उतार के
या आप चाहें तो यहाँ से लेके जो भी भोग प्रसाद रखा है या माता जी रखी हैं सब से ऐसे करके और फिर यहाँ पे जो है वो 5 बार छोड़ सकते हैं, मतलब 5 बार इस प्रकार से करके और यहाँ आग में नहीं आग के नीचे जो है वो छोड़ा जाता है। इस प्रकार से माँ का आचमन जो है वो किया जाता है और इसी तरीके से जो अष्टमी या नवमी की पूजा जो है वो संपन्न हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको वो अष्टमी या नवमी की जो पूजा जो भी आपके घर के अनुसार परंपरा के अनुसार आपके घर में जिस भी प्रकार की पूजा होती है अष्टमी या नवमी की इसी प्रकार से पूजा जो है वो करके आप भी माता जी को प्रसन्न कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आप सभी माताओं बहनों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।